हाय फ्रेंड्स, सोनई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे, वो भी घर पे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो इस तरीके से बनाइए ये समोसे, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ या चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना, देखते हैं कैसे बनाया इसे हमने। ये हमने लिया आधा किलो के करीब मैदा, इसमें डाला हमने रिफाइंड 4 बड़े चम्मच के करीब। इसका लगाएंगे हम मावन अच्छे से, इस तरीके से इसे हम पहले अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मुट्ठी हल्की बंधने लग गई है, यानी हमारा परफेक्ट मावन लग के तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें अच्छा सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। इसे हमें मतलब बहुत ही सख्त नहीं, मतलब मीडियम साइज़ का डो लगा के तैयार करना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मली होना चाहिए। अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए। ये कढ़ाई में लिया हमने तेल, इसमें डाला हमने जीरा और थोड़े से हमने सरसों डाले थे, साथ ही डाला इसमें हमने लहसुन और ये मिर्च, और थोड़ी सी डाली थी हमने धनिया। इन सभी डाल को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमने जो आलू को बॉईल किया था अभी ने हाथों से ऐसे मैश करके डाले। देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, मसाले हम बाद में डालेंगे ताकि हमारे मसाले सारे जले नहीं। ये डाला हमने धनिया पाउडर, मतलब पाउडर नहीं है, इसे हमने थोड़ा सा धनिया, खड़े धनिया को हल्का सा दरदरा कूट लिया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। और ये डाला हमने हल्दी, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, जिससे अच्छा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चाट मसाले से। इन सभी मसालों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। गैस की फ्लेम को रखना है हमें मीडियम पे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें ये सारा प्रोसेस करेंगे, ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा परफेक्ट मैश बनके तैयार हो गया है, और हमारा मसाला भी देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है, यानी हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इसे पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट में हमारा ये मसाला अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये मसाला बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी कर लेंगे मिक्स। धनिया को भी, धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने धनिया डाली है इसमें। बस गैस को बंद कर देंगे बंद, ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार है, और होने देंगे इसे थोड़ा सा हम ठंडा। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा ये डो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, फूल चुका है। अब इसके हम छोटे से लोई काटेंगे, अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लोई काट लेनी है, चाहे चाकू से काटे चाहे हाथ से काटे, आपको जैसे सही लगे उस टाइप से हम काट सकते हैं। बस इस तरीके सारी लोइयों को हम राउंड कर लेंगे। अब एक लोई उठा के हम इसे बेलेंगे, दिखाती हूँ मैं इसे किस तरीके से बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और इसे जैसे हम भटूरे नहीं बनाते उस टाइप का इसे हम बेलना है, हल्के हाथों से इसे बेलेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए हमें बेल के तैयार कर लिया है ये हमने। अब नाइफ की सहायता से हमें बीच से इसे काट देंगे इस तरीके से, इसमें हमारे 2 समोसों की स्टफिंग आ जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने इसको स्टफिंग भरी है इसमें। ये देखिए एक किनारे लगाएंगे हम इसमें पानी, अब इनको अच्छे से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरीके से हाथों के बीच में रखेंगे इसे, और स्टफिंग को डालेंगे हम इसके अंदर अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से, आप घर पे बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं।
बाहर तो लिमिटेड पड़ी होती है, बस इस तरीके से लगाएंगे हल्का हल्का पानी और इसकी किनारियों को ऐसे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए कितने परफेक्टली बन के तैयार हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छे से शेप आई है इसकी, देख ही सकते हैं आप कितने अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई में लिया तेल, उसको हमने हल्का मीडियम पे गर्म होने दिया है। अब इसमें जितने समोसे आएंगे उतने ही हम डालेंगे, इसमें आराम से 4 समोसे आ जाएंगे। अब इसको मीडियम आँच पर पहले हम पकाएँगे 1 मिनट के लिए। जब 1 मिनट हो जाएगा, देखिए 1 मिनट हो चुका है, अब गैस की फ्लेम को हल्का सा तेज करेंगे और उसको फिर इसको अच्छे से हम पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया, बचे हुए भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ये सारा प्रोसेस करेंगे ताकि हमारे समोसे अच्छे से क्रिस्पी हो सके और अंदर तक अच्छे से पक सकें। ये देखिए हमारे सारे समोसे पक चुके हैं, हमने सारे समोसे इसी तरीके से बना के तैयार किए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सारे समोसे हमारे बन के तैयार हैं। इसकी दिखाती हूँ मैं स्टफिंग, तोड़ के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से अंदर से इसका लग रहा है। ये देखिए मैंने इसे तोड़ा है, कितने गर्मा गर्म है, और ये देखिए कितनी अच्छी से स्टफिंग है इसकी। इसको आप सॉस के साथ खाइए या गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए।